Students, if you find this video useful for you, then please like, comment, and share with your friends. Also, subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Hello, students. Welcome back to Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Students, in our last video, we have talked about the colon chyma tissues. In this video, we are talking about sclerenchyma tissues. Okay. So this is the third type of simple permanent tissues. As we are reading about the simple permanent tissues, so this is the third type of uh, simple permanent tissues.

ओके okay, तो ये आपको दोस्त के कैरेक्टर जो है वो याद रखने हैं दीज आर द डेड सेल्स एंड दीज आर हैविंग थिक वॉल्स ओके सेल वॉल इनकी थिक होती है दे हैव एक्सट्रीमली हार्ड एंड थिक सेल वॉल बिकॉज देयर इज डिपोजिशन ऑफ लिग्निन लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से ये जो सेल वॉल्स होती है वो बहुत थिक हो जाती हैं यार यू कैन सी ये जो है सेल वॉल जो है वो थिक हो गई है बिकॉज ऑफ दिस डिपोजिशन ऑफ लिगनिन हमने कोलिन कैमामा देखा था वहाँ पर सेलुलोज का डिपोजिशन था एंड दैट इज़ ऑल्सो हैविंग थी सेल्वर बट हियर इन सेल्स में जो डिपोजिशन होता है लेगनिन uh, का वो इतना ज़्यादा होता है कि देर इज नो इंटर सेलुलर स्पेसिस उनमें ना तो इंटर सेलुलर स्पेसिस होती है और ना ही अंदर की तरफ uh, जो स्पेस होता है वो वहाँ पर बच पाता है तो उनका जो ल्यूमेंट uh, या जिसको हम कैिटी कहते हैं वो बहुत छोटी सी हो जाती है है ना इंटरनल स्पेस जो होता है सेल के अंदर वो बहुत बहुत छोटा हो जाता है या कभी कभी वो एबसेंट भी हो जाता है है ना तो उनका जो ल्यूमेन या जिसको हम कैविटी कहते हैं इट बिकम समटाइम्स नैरो और मे बी इट इज एब्सेंट इन द सेल वाई बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से ये होता है नाउ दिस सेल्स हैव दिस लॉन्ग वी कैन से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फाइबर लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है एंड these आर लॉन्ग एंड नैरो एंड क्लोजली पैक्ड विदाउट इंटर सेलुलर स्पेसिस ये जो सेल्स होती हैं वो इंटर सेलुलर स्पेसिस के बिना होती हैं मतलब इनके सेल्स के बीच बीच में स्पेस नहीं होता है दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड एंड दस दे फॉर्म मोजक जिसको हम कहते हैं मोजैक फ्लोर जो होता है बिल्कुल कॉम्पैक्टली जो टाइल्स हम प्लेस करते हैं है ना बिल्कुल वैसा है जो है पैटर्न इनका बनता है टुगेदर दे आर फिटेड टुगेदर वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिट होती हैं एंड दस दे फॉर्म द मोजाइक फ्लोर पैटर्न नाउ ह्यूर यू कैन सी दिस इज द नैरो ल्यूमेन इसका जो ल्यूमेन है अंदर की कैविटी जो है वो बहुत छोटी हो जाती है सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल्स नाउ वेयर आर दिस क्लैरन कैमेटिस सेल्स आर फाउंड दिस सेल्स और टिश्यूज दे आर फाउंड इन द स्टेम्स अराउंड द वैस्कुलर बंडल वेस्कुलर बंडल हमने लास्ट एक प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था जिसमें हमने एक्टिविटी पढ़ी थी ओके तो यू नो व्हाट इज वेस्कुलर बंडल सो दिस टिश्यू इज़ फाउंड अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स इन द लीव्स एंड इन द हार्ड कवरिंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स एंड नट्स ये कहाँ मिलते हैं फ्रूट्स का जो हार्ड कवरिंग होता है देन जो सीड्स का जो कवरिंग होता है हार्ड कवरिंग और जो नट्स का कवरिंग होता है वहाँ पर ये मिलते हैं इसका मैं एग्जाम्पल बताती हूँ आपको नारियल सब ने देखा है कोकोनट है ना कोकोनट आप सब ने देखा है देन आपने वॉलनट्स भी देखे हैं तो इनका जो बाहर का कवरिंग होता है हार्ड जो शेल होता है या फिर जो कोकोनट का फाइब्रस कवरिंग होता है इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरन काइमा टिश्यू ओके सो इट इज़ फाउंड इन द वेस्कुलर बंडल्स अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स एंड अल्सो इन द लीव्स

लेमेला सो मिडल लैमेला जो है इनके बीच में होती है सो दिस ऑल द सेल्स आर सीमेंटेड विथ ईच अदर बाय मिडल लैमेला एंड दिस मिडल लैमिला इज मेड अप ऑफ पेक्टिन लिग्निन एंड प्रोटीन्स ओके सो दिस इज अनादर फीचर दैट यू रिमेंबर वैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स दैट इज़ पैरिन कैमा कोलिन कैमा एंड स्क्लेरिन कैमा तो मिडल लैमिला जो है वो स्कलैरनकाइमा सेल्स टिश्यूज़ में प्रेजेंट होता है दिस यू रिमेंबर ओके देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस टिश्यू द मेन फंक्शन ऑफ दिस स्लेरनकामा टिश्यू इज़ टू गिव मैकेनिकल सपोर्ट इसका जो मेन फंक्शन है वो है टू गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट मैकेनिकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं देन सेकेंड इसका जो फंक्शन है दैट इज़ इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द सीड्स एंड नट्स हमने अभी इसके बारे में पढ़ा सीड्स और नट्स जो होते हैं उनका जो आउटर कवरिंग होता है वो इससे बना होता है स्क्लेरनकामा टिश्यूज से एंड इट प्रोटेक्ट्स द सीड एंड नट्स एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ दिस स्क्रनकाइमा टिश्यू इज़ स्क्रनकाइमा फाइबर्स जो होते हैं कुछ प्लांट्स के जैसे कि हेम्प है देन फ्लैक्स जूट ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं कोकोनट है ना जिनसे हम जो है कॉयर और फाइबर्स बनाते हैं वी मेक फाइबर एंड कॉयर फ्रॉम दिस प्लांट्स ओके सो दिस प्लांट्स आर ऑफ कमर्शियल यूज ये कमर्शियल कमर्शियली इनको यूज़ किया जाता है टू मेक द कॉयर एंड फाइबर्स ओके सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्क्लेर एंड कैमा टिश्य सो हेयर वी विल स्टॉप यहाँ पर हमने uh, तीनों जो सिम्पल परमानेंट टिश्यूज़ थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ ओके सो बी विथ मी इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट सुन टिल देन टेक केयर बाय बाय